वेलकम अपने YouTube चैनल gsstudy.in में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह आज की वीडियोज में हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, ठीक है ना। विद्युत धारा चैप्टर का हम लोग VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टि से होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस आज के क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल से जुड़ जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियोज को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ इसका लाभ उन्हें भी मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे एक होगा सो है, निम्न में से कौन शुद्ध चालक नहीं है, यानी निम्नलिखित में कौन शुद्ध चालक, सॉरी दोस्तों अशुद्ध चालक नहीं है। ए में सिलिकन, बी में जर्मेनियम, सी में पारा और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पारा जो है अशुद्ध चालक नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की। दो नंबर क्वेश्चन है, निम्न वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है, यानी वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। ए में एम्पियर, बी में वोल्ट, सी में ओम और डी में वाट। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओम को प्रदर्शित करता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की। तो तीन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, यानी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ए में एम्पियर, बी में वोल्ट, सी में ओम और डी में वाट। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओम, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको चार की। तो चार नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो ए में वाट, बी में वोल्ट, सी में ओम और डी में एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पाँच की। तो पाँच नंबर क्वेश्चन है, एक कोमा दो और तीन और एक कोमा दो और तीन ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका सूत्र होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। इसको ऐड करोगे तो तीन तीन छः ओम होगा, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर छः के लिए। छः नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक होता है। ए में जूल, बी में वाट, सी में एम्पियर और डी में वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सात की। तो सात नंबर क्वेश्चन है, विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक है। तो ए में एम्पियर, बी में वोल्ट, सी में ओम और डी में वाट। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाट, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आठ की। तो आठ नंबर क्वेश्चन है, 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ए में 900 ओम, बी में 484 ओम, सी में 220 ओम और डी में 100 ओम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 484 ओम, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन बल्ब के अंदर रहता है, ठीक है ना, जो जलता है, तो कितने ताप पर जो है वो पिघल जाता है। ए में 2500 डिग्री सेल्सियस, बी में 3000 डिग्री सेल्सियस, सी में 3500 डिग्री सेल्सियस और डी में 4000 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 3400 डिग्री सेल्सियस भी देता है, तो आप देख लीजिएगा, समथिंग में रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, ठीक है ना। ए में एम्पियर, बी में वोल्ट, सी में ओम और डी में वाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वाट, ठीक है ना। विद्युत शक्ति का इसकी मात्रक वाट होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है।
प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ए में जूल, बी में एम्पियर, सी में वाट और डी में ओम। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और वही प्रतिरोधकता रहेगा उसका मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है ना, उसका मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 की, तो 12 नंबर क्वेश्चन है, सो आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। ए में 6 जूल, बी में 24 जूल, सी में 14 जूल और डी में 10 जूल। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा 24 जूल, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 नंबर क्वेश्चन है सेल में विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, यानी सेल में विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो ए में है ओम, बी में है वोल्ट, सी में है एम्पियर और डी में है कूलाम। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 नंबर क्वेश्चन है एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग हैं, तो इसका अल्पतनांक कितना होगा? ए में 0.1 एम्पियर, बी में 0.0 एम्पियर, 1 एम्पियर और सी में है यहाँ पे आपको 0.2A और डी में है 0.02A। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेश का एसआई मात्रक होता है। ए में वोल्ट, बी में ओम, सी में जूल और डी में कूलाम्ब। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम्ब, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, 16 नंबर क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो गतिशील कण होते हैं। ए में परमाणु, बी में आयन, सी में प्रोटॉन और डी में इलेक्ट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उसमें अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गतिशील हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर 17 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ए में सल्फर, बी में प्लास्टिक, सी में आयोडीन और डी में ग्रेफाइट। तो विद्युत का सुचालक जो है इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 18 नंबर क्वेश्चन है विभवांतर का मात्रक होता है। देखिए मैं बता दूं दोस्तों, विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक एक ही होता है। ए में वाट, बी में एम्पियर, सी में वोल्ट और डी में ओम। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब जो होता है उसका तंतु किस धातु का बना होता है? तो ए में है लोहा, बी में है टंगस्टन, सी में है तांबा और डी में है सोना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टंगस्टन का बनता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ए में है 20 ओम, बी में है 20/3 ओम, सी में है 30 ओम और डी में है 10 ओम। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 ओम, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ए में 55 ओम, बी में 10 ओम, सी में 220 ओम और डी में 110 ओम। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 110 ओम, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22 नंबर क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी का उपयोग हम लोग करते हैं ना, तो बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है? तो ए में एसी, बी में डीसी, सी में एसी और डीसी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से जो धारा प्रवाहित होती है वो डीसी होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 की, तो 23 नंबर क्वेश्चन है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है?
यानी एमीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। ए में श्रेणी क्रम, बी में समांतर क्रम, सी में ए और बी दोनों में, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, एमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो 24 नंबर क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। ए में श्रेणी क्रम, बी में समांतर क्रम, सी में ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपको होगा समांतर क्रम। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, यानी जो यंत्र विभव के अंतर को मापता है यानी विभवांतर को मापता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है। ए में अमीटर, बी में वोल्टमीटर, सी में गैल्वेनोमीटर, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वोल्टमीटर, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के, 26 नंबर क्वेश्चन है एक वोल्ट कहलाता है, यानी एक वोल्ट क्या कहलाता है। तो ए में है जूल प्रति सेकेंड, बी में है जूल प्रति कूलम्ब, सी में है जूल प्रति एम्पियर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जूल प्रति कूलम्ब, ठीक है। जब 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं किलोवाट घंटा क्या मात्रक है, किलोवाट घंटा का मात्रक है ए में धारा का, बी में समय का, सी में विद्युत ऊर्जा का, और डी में विद्युत शक्ति का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा विद्युत ऊर्जा का, ठीक है ना। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है ना उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो ए में नाइक्रोम, बी में टंगस्टन, सी में तांबा, और डी में जस्ता। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम का, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, यानी विद्युत चुंबक जो होते हैं वो किस धातु से बनाए जाते हैं। तो ए में इस्पात के, बी में चांदी के, सी में पीतल के, और डी में नर्म लोहे के। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नर्म लोहे के, ठीक है ना। चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, यानी कौन सी युक्ति है जो विद्युत धारा को उत्पन्न करती है। ए में जनित्र, बी में मोटर, सी में एमीटर, और डी में गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो जनित्र है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि जनरेटर ही विद्युत धारा उत्पन्न करती है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की, 31 नंबर क्वेश्चन है एक एचपी यानी अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर होता है, यानी एक एचपी कितने वाट के बराबर होते हैं। तो ए में है 736 वाट, ए में है सॉरी दोस्तों ए में है यहाँ पे 746 डब्ल्यू, बी में है 736, और सी में है 767, और डी में है 756। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपको होगा 700 यहाँ पे, तो चलिए दोस्तों आप 31 का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट फॉर वाचिंग दोस्तों, थैंक यू।